Shivali ma'am. I'm going to teach you English of standard second English, the elephant stones. In the previous chapter, we read about chapter 1, chapter 2, chapter 3. In the chapter 3, we read about the toothpaste and the tube. Today, we are going to read about the elephant stones. Okay, guys. Let's start reading the extract and try to listen it carefully. Here it goes. Read the story about an elephant's child and his nose. As in kahani padenge ek haathi ki bachchi aur uske naak ke baare. Okay guys, there was a time when the elephant's nose was no bigger than a boot that he could wriggle from side to side. Ek baar ki baat hai, haathi ka jo naak tha wo itna chota tha ki pata hi nahi chalta tha ki wo uska naak tha ya kuch aur tha. Bilkul ek boot ki jaisa chota tha. But a curious elephant's child changed all that. पर एक उत्सुक हाथी के बच्चे ने ये सब कुछ बदल दिया. कैसे किया? The elephant child was always asking questions. हाथी का वो बच्चा हमेशा सवाल करता था. And but no one knew the answers to his questions. पर उसके सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं होता था. And then one day he asked a question that frightened all the animals. लेकिन उस दिन एक ऐसा भयंकर सवाल उसने सबसे पूछा कि सारे जानवर बिल्कुल डर गए. क्या हुआ? What does a crocodile have for dinner? He asked it. हाथी के बच्चे ने पूछा एक मगरमच्छ का खाना क्या होता है? वो रात के खाने में क्या खाता है? Said all the animals. चुप कर जाओ, सभी जानवरों ने कहा. No one wanted to even talk about it. कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था. And but he would not shh. पर वो बिल्कुल भी किसी के चुप कराने से तो चुप करने वाला था नहीं. By and one wanted even to talk about it. He met the Kolu Kolu bird. थोड़ी देर में वो किससे मिला? एक चिड़िया जिसका नाम था Kolu Kolu. And she told him. उस चिड़िया ने उस हाथी के बच्चे को कहा, Go and to the grey green greasy Limpopo river and you will get your answer. तुम आगे जाने वाली एक हल्की भूरे रंग की नदी आएगी. वो बहुत तेज धार में बहती है. उस नदी का नाम है Limpopo नदी. तुम वहां जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. सो ऑफ ही वेंट द Limpopo रिवर. थोड़ी देर में वो Limpopo रिवर में चला गया. एट द एज ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. ठीक नदी के किनारे उसने देखा एक लकड़ी का लट्ठा था. बट देन इट वेंटेड वन आई. थोड़ी देर में उसने अपनी एक आंख मारी और देखा क्या? ही सॉ दैट एक्सक्यूज मी बट यू हैव नेवर सीन अ क्रोकोडाइल आफ्टर द एलिफेंट चाइल्ड. थोड़ी देर में उसने देखा उस लकड़ी के लट्ठे से. जब जो उसने उस लकड़ी के लट्ठे को देखा वो एक्चुअली में लकड़ी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही बड़ा सांप था. और बड़े ही प्यार से हाथी के उस बच्चे ने उस सांप से पूछा, क्या आपने क्रोकोडाइल का घर देखा है? सो आई एम द क्रोकोडाइल, ही सेड. उसने कहा, नहीं, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. द एलिफेंट चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड एंड नीडेड डाउन. हाथी का बच्चा बहुत खुश हुआ, वो झुक गया. आई एम लुकिंग फॉर यू ऑल दीस डेज, ही सेड. विल यू प्लीज टेल मी What you have for dinner? मैं तुम्हें कितने दिनों से खोज रहा था मगरमच्छ. भैया आप बताएंगे कि आप रात के खाने में क्या खाते हैं? Come here, little one. Come here, I'll whisper. मेरे पास आओ छोटे बच्चे, और पास आ जाओ. मगरमच्छ ने कहा. The elephant child put his head down to nose the crocodile's mouth. उस हाथी के बच्चे ने गलती से अपना मुंह उस मगरमच्छ के मुंह के सामने लेकर आया और पता है क्या हुआ? The crocodile caught him by the little nose. उस मगरमच्छ ने उसको कस के उसकी सूंड से पकड़ लिया. एंड द एलिफेंट चाइल्ड ही वाज इन अ बिग ट्रबल. जैसे ही उसकी सूंड को हाथी के बच्चे की सूंड को मगरमच्छ ने अपने दांतों में दबाया, बच्चे ने समझ लिया कि उसकी जान को बड़े खतरे में है. ही सैट बैक ऑन हिज हॉन्चेस. बड़ी कोशिश करके वो अपने पांव के भाग पे बैठ गया. एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड और पूरा जोर लगा के अपने आप को खींचने लगा. द क्रोकोडाइल स्पैशड इन द वाटर एंड पुल्ड एंड पुल्ड. और मगरमच्छ भी कहां हार मानने वाला था. उसने अपना आहार को छोड़ना नहीं था. उसने भी उसको जोर जोर से खींचना शुरू किया. दे बोथ पुल्ड एंड पुल्ड. दोनों तरफ से एक दूसरे को दोनों खींचने में लगे रहे. द लिटिल एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग. और इस तरह हाथी की सूंड खींचती चली गई, खींचती चली गई और खींचती चली गई. एट लास्ट
that theory. So he wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to shrink. थोड़ी देर में उसने अपने सूंड को यानी नाक को केले के पत्तों में लपेट दिया, ये सोचकर कि वापस उसका नाक छोटा सा हो जाएगा। वेटेड एंड वेटेड, वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। He could still swish it around, अभी भी उसकी सूंड हिली रही थी। His nose had stayed like it ever since, तभी से हाथी की सूंड इतनी लंबी हुआ करती है। Wow, it's so long. Okay guys, that was a story written by Rudyard Kipling. Let me tell you about the Rudyard Kipling, about the author. Rudyard Kipling was a British writer. Rudyard Kipling एक विदेशी लेखक थे। His best known novel is Kim, but has gained popularity for his wonderful children's book. इनकी सबसे